नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिला न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सभागार में आगामी दिनांक 12 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के संबंध में माननीय न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं सहित पत्रकारगणों की मौजूदगी बैठक संपन्न हुई, जहां माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप ने बताया कि समय समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वही आगामी 12 मार्च को जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में आज ये बैठक आयोजित की गई एवं लोगों से अपील की जाती है कि नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर पक्षकारगण अपने प्रकरणों का निपटारा आपसी सुलह समझौता से करें। वही बैठक के दौरान प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश तिवारी सहित माननीय न्यायाधीशों सहित समस्त अधिवक्ता एवं पत्रकारगण मौजूद रहे। रिपोर्टर शंकर सिंह उमरिया। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लें और सक्रिय हों लोक अदालत में, और जो आप कम्प्रोमाइज करते हुए और सुविधा खड़ा करें ताकि उन लोगों को भी समय समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन तहसील एवं जिला न्यायालय में सभी स्तरों पर किया जा रहा है। इनमें जो न्यायालय में लंबित मामले हैं, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, दीवानी मामले, चेक बाउंस के मामले, धारा 125 भरण पोषण के मामले, इस प्रकार के एवं अन्य मामले जो कि राजीनामा योग्य उसमें निपटाए जाते हैं। साथ ही प्री लिटिगेशन के रूप में विद्युत विभाग से संबंधित मामले, बैंकों के जो राशि भुगतान किए जाने हैं और उनसे संबंधित मामले, ये सब आदि का आते हैं। उनके बीच राजीनामा समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। लोक अदालत हो या मध्यस्थता, किसी में भी न्यायालय अपनी राय नहीं सुन सकती, तो पक्षकारों को अपना निर्णय की लोक अदालत के संबंध में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्मानी कश्यप साहब के मुख्य अतिथि में एक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कि जितने भी हमारे अधिवक्ता हैं जो नियमित रूप से वकालत करते हैं, उन लोगों ने लोक अदालत के संबंध में जो कठिनाइयां आ रही हैं, किस प्रकार से लोक अदालत संपादित हो और उसके क्या भूमिका होना चाहिए, क्योंकि 12 मार्च को लोक अदालत है राष्ट्रीय, उसके संबंध में बैठक भी, बहुत सारे मामले मुद्दे भी आ रहे हैं, तो और ये तय हुआ कि सभी को बढ़ चढ़ के, चाहे जुडिशरी के लोग हों, चाहे वकील हों, चाहे पक्षकार लोग हों, वो अपनी उमरिया जिले का जो भी वो है एक संख्या है, उसके अनुक्रम में लोक अदालत को सफल बनाना है। तो ये जो बैठक हुई है सार्थक रही। हम सभी से आग्रह करते हैं, वकीलों से, पक्षकारों से, कि जो 12 मार्च को लोक अदालत, आप लोगों से अपेक्षा करना चाहूँगा कि जिन पक्षकारों के ऐसे कुछ मुद्दे अभी भी हैं जो हम नेशनल लोक अदालत में रिफा नहीं किए हैं और आपको लगता है कि इसमें सेटलमेंट हो सकता है, तो ऐसे प्रकरण भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके प्रशासनिक अधिकारी को बता दें तो लोक अदालत में रख दी जाएंगे, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। और आप देखे होंगे कि दो लोक अदालत होने के बाद भी केस में कोई कमी नहीं आई, किसी के पास ऐसा कोई है कि केस खत्म हो गया या कम हो गया, नहीं होता। जितना केस कम होता है उससे ज़्यादा आवक है, ये हमारा जो है डेटा बदला रहा है, जो मंथली डेटा हम बनाते हैं उस जानकारी से ये है कि लोक अदालत के बाद भी कम नहीं हो रहा है, संख्या डिस्पोजल भी बढ़ा है। आप देखे होंगे पेंडेमिक था उस समय डिस्पोजल लगभग नहीं के बराबर था, फिर धीरे 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 हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से काम करना शुरू किया, डिस्पोजल अब लगभग सामान्य आ चुका है, डिस्पोजल जो है जैसे नॉर्मल रूप में होता है लगभग आ चुका है। फिर भी आप देखेंगे कि जो आवक है और जावक है उसमें अभी भी अंतर बनी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोक अदालत में करते हैं उससे केस खत्म नहीं होता, उससे बल्कि ये होता है कि जिसमें वास्तव में हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उसमें ध्यान देते हैं। तो इन सब बातों को विचार में लेते हुए आप लोगों से पूरा मेरा आग्रह है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीटीवी न्यूज चैनल के साथ।